पिता करते हैं गाड़ी मोटर का काम, बिटिया उड़ा रही है लड़ाकू विमान, राफेल रानी ले उड़ी हवा में विमान, तो मोदी सिर उठा देखते रहे आसमान। भारत की पहली राफेल रानी यानी शिवांगी सिंह की कहानी बेहद दिलचस्प है। पिता मोटर गाड़ी का काम करते हैं और बेटी ने हवा में उड़ा दिया राफेल विमान। भारत का सेना गर्व से चौड़ा हो गया। दिन भर आप गणतंत्र दिवस की कई तस्वीरें देख चुके होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वाराणसी की शिवांगी जब हवा में राफेल उड़ा रही थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी सिर उठाकर ये करतब देख रहे थे। भारत की बेटी अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल राफेल भारत के पास आ गया है और ये इतना बड़ा हथियार है कि राफेल पाकिस्तान को कुछ मिनट में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। भारत के पास अभिनंदन भी है, भारत के पास राफेल रानी यानी शिवांगी सिंह भी है। यूपी का सीना भी चौड़ा हो गया। राफेल रानी यूपी के वाराणसी की है, पीएम मोदी वाराणसी से सांसद है और शिवांगी वाराणसी की रहने वाली है। ऐसे में पीएम मोदी का खास लगाव हो गया और कुछ सेकंड की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। वो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की इकलौती महिला पायलट हैं। जो विमान शिवांगी उड़ा रही थी वो राफेल है, और राफेल की खास बातें भी आपको जान लेनी चाहिए। राफेल कैसे पाकिस्तान की आंखों में अभी से चुपता है। राफेल जैसा एक विमान भी पाकिस्तान के पास नहीं है और रूस पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। पहली खासियत, ये दो इंजन वाला विमान है जिसको भारतीय वायुसेना को दरकार थी। राफेल में तीन तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्स मिसाइल और हैमर मिसाइल। दूसरी खासियत, राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मार दे सकता है। यानी राफेल एक मिनट में ही काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी खासियत, लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान बहुत अच्छा है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। ये पहाड़ों पे कम जगह में उतर सकता है, इसे समुद्र में चलते युद्धपोत पे उतारा जा सकता है। राफेल की बहुत खासियतें हैं। राफेल को अचूक निशाने के लिए भी जाना जाता है। दुश्मन किसी तरह से नहीं बच सकता। अगर बिना पेलोड की बात करें तो राफेल का वजन 10 टन है। वहीं अगर ये मिसाइल्स के साथ उड़ता है तो इसका वजन तकरीबन 25 टन भी हो सकता है। कई माल वाहन एयरफोर्स के विमानों की इतनी वजन नहीं होते। इस कारण ये तय है कि राफेल अपने साथ काफी मिसाइल्स कैरी कर सकता है और उड़ान भरने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। ये रडार पर आराम से अपनी लोकेशन दिए बिना चकमा दे सकता है। राफेल परमाणु हमले को भी अंजाम दे सकता है। जानकारी है कि राफेल की इस खूबियों की वजह से भारत के पास चीन और पाकिस्तान पर बढ़त है, क्योंकि राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन की वायुसेना के पास है। इसीलिए भारत के लिए राफेल बहुत बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।